अमेजिंग वॉटर पंप फिशिंग। चंदानगर नाम के गांव में रामैया नाम का एक गरीब रहता था। वो तालाब में मछली पकड़कर गुजारा करता था। उसका एक बेटा था दिनकर। वो बहुत आलसी था। वो या तो टीवी देखता रहता था या अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देखता रहता था या फिर अपने बाइक में बैठकर गांव भर में घूमता रहता था या फिर पिताजी के दिए हुए पैसों से कुछ ना कुछ खरीद कर खाता रहता था। इसके अलावा कोई काम नहीं करता था। इसी बात को लेकर उसके पिताजी हमेशा उसे नसीहत देते रहते थे। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? यूं बिना कोई काम काज किए और कितने दिन घूमते रहोगे बेटा? गांव में सब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मेरी बात मानो बेटा, कम से कम मेरे साथ मछली पकड़ने तो आया करो। क्या, मैं और मछली पकड़ूं? आपने मेरे बारे में समझ क्या रखा है? मुझे आपकी तरह मेहनत करना पसंद नहीं है। मैं जो कुछ करता हूं सोच समझ कर करता हूं। जब मुझे कोई बढ़िया आइडिया मिलेगा तब देखना मैं क्या करता हूं। एक दिन वो मोबाइल देख रहा था कि उसे एक वीडियो में मछली कैसे पालते हैं ये दिखाई दिया। एक छोटे से तालाब में एक व्यक्ति कुछ मछलियों को दाने डाल रहा था। ये देखकर दिनकर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही गड्ढा पूरा हुआ उसने एक वाटर पंप लाकर वहाँ रखा। उसने जैसे ही उस वाटर पंप को ऑन किया उसमें से पानी निकलकर उस गड्ढे को भरने लगा। तभी रामैया वहाँ पहुँचा। ये क्या कर रहे हो बेटे? ये गड्ढा खोदकर पानी क्यों भर रहे हो? ये सब क्या है? पिताजी, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। मैं आपसे बुद्धिमान हूँ ना, मैं आपकी तरह तालाब में जाकर मछली पकड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इस गड्ढे में मछलियाँ पालूंगा। जब वो बड़े हो जाएंगे मैं उन्हें बेच दूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम बकवास आइडिया है। अरे बेटा, तालाब की मछलियों को पालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। हमारा काम होगा सिर्फ जाल फेंकना। लेकिन इस गड्ढे में मछलियों को पालने के लिए हमें ही दाना डालना होगा। ऊपर से जब तक वो बड़े ना हो जाएं हमें इंतजार करना होगा। अब ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? मेरी बात मान लो, मछली पकड़ने मेरे साथ चलो। आप मुझसे जलते हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, है ना पिताजी? मैं समझ गया, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। आप जाकर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ कर लाओ, उन्हें इस गड्ढे में डालकर पालेंगे। ये सुनकर रामैया ने सिर पीट लिया और वहाँ से चला गया। बाद में रामैया ने एक बोतल में छोटी छोटी मछलियाँ लाकर उसे दिया। दिनकर ने उन मछलियों को पानी में छोड़ा। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने अपने पिताजी और गांव वालों को वहां पे बुलाया और सब ध्यान से देखिएगा, देखिए मेरी मछलियां कितनी बड़ी हो गई हैं। कहकर गड्ढे में उतरा और एक बड़ी मछली को पकड़कर उन सबको दिखाते हुए, देखिए ये मछली कितनी बड़ी है। इन सब मछलियों को पकड़कर कल बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सब देखकर आप लोग मारे जलन के रोते रहेंगे। और नहीं तो क्या, आप सब मुझे बेकार आवारा कहते थे ना? अब जाइए गांव भर में मेरी प्रशंसा कीजिए। अब जाइए भी। ये सब बातें भीड़ में खड़ा रंगा नाम का चोर ने सुना। सबके जाने के बाद रामैया, ये क्या बेटा, गांव वालों को बुलाकर उनके सामने डींगे मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपना काम चुपचाप करना चाहिए था। तुम यूं बकवास करते रहे तो कोई आकर उन्हें चुरा कर ले गया तो? मेरी मछलियों को चोरी करने की हिम्मत किस में है पिताजी? इतने दिन मेरे बारे में इतना बकवास कर रहे थे ये गांव वाले, उन्हें तो पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं। आप जाइए पिताजी। तब रामैया ने सिर पीट लिया। उस रात को रंगा एक टब लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचा। उसने मोटर पाइप को रिवर्स में फिट किया और उसे ऑन किया। तब गड्ढे में से सारा पानी खाली हो गया और मछलियां बाहर आईं। तब रंगा गड्ढे में उतरा और मछलियों को उठाकर टब में डालने लगा। एक मछली एक छेद में आधी फंसी तो उसे भी खींचकर उसने टब में डाला। यूं मछलियों को लेकर वो वहां से चला गया।
अगले दिन खाली गड्ढे को देखकर दिनकर और रामैया दंग रह गए। हे भगवान, मेरी मछलियों को क्या हुआ? लगता है किसी ने उन्हें चुरा लिया है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? पिताजी, आप फिर से मुझे छोटी मछलियां लाकर दीजिए, मैं फिर से मछलियां पालूंगा। ये सुनकर रामैया ने खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा। तब दिनकर को अकल आई और वो अपने पिताजी के साथ जाकर मछलियां पकड़ने लगा।